हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस हम लोग जा रहे हैं अजमेर से धार। गाइस मैं एक कंटेंट बात बोलना चाह रहा हूँ, अभी अजमेर जा रहे हो, आपके पास टिकट कंफर्म होने चाहिए ट्रेन की, जाओ वरना कंफर्म नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अजमेर भी जाऊँगी अब, एक कोई एजेंट को बढ़िया टिकट बुकिंग करेगा, हाँ मैं कर दूँगा, वो सब कुछ बोलेगा, लेकिन दूसरे दिन बोलेंगे आपको भाई साहब हमारे हासिल नहीं हुआ, आपको देख लेना, अब बोलेगा। तो हम लोग ऐसे ही कहे थे, लेकिन हम लोग देखो हमारे बोला गया डायरेक्ट बस है अजमेर से धार, एक आदमी को 2600 रुपये ऐसा टिकट बोला था, ठीक है हमने करवा दिया। तो अभी हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है, यहाँ से अलग बस उधर से अलग बस, दो दो बस हमको चेंज करना पड़ रहा है, तो फिर बस में एसी भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी अजमेर और आपका टिकट कंफर्म होना चाहिए आने जाने का, तब अजमेर और भाई साहब अजमेर के कोई एक बंदी की आप बात मान सुनना, मैं बोल रहा हूँ बोलेंगे वो ये होगा ये होगा, इसकी बात के ऊपर नहीं जाना, एंड जो वो ध्यान देना, अभी हमारे हालात बहुत खराब हो चुकी है। बस 5 बजे आएंगे का बोला था, लेकिन 6 बजे बस आ गई है। और कभी भी बोल रहा हूँ अजमेर जा रहे हो, आपके पास टिकट कंफर्म होनी चाहिए आने जाने की, इतना ही अजमेर जाओ, अगर अजमेर में ना किसी की बात सुनना नहीं, मैं वो कर दूँगा ये कर दूँगा वो, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, किसके पास सुना नहीं है, बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं। तो जाइए अजमेर, आपके पास टिकट कंफर्म होना चाहिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं। तो अभी हम बस में है, इन बस की लाइट भी चालू नहीं है, तो मिलता हूँ मैं आपको बाद में, देखते हैं कब तक हम लोग थार्ड पहुँचेंगे, अभी तो फिलहाल बस में। तो गाइस हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, अब उधर बैग लेके जाना ये, कुछ भी लोग यहाँ पे सीधा नहीं बोलेंगे एड्रेस, यहाँ पे जाओ उधर पे जाओ उधर, सीधा इधर हो गई हमारी हालत, बोल रहा हूँ मैं आपको एक पास ये बात का ध्यान रखना आपका। तो देखते हैं कब तक हम लोग थार्ड पहुँचेंगे, टाइम तो अभी तो बज गया 7:30 बजे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम लोग, तब तक हाईवे के थोड़े नज़ारे देख लेना। आप एक बात बोलोगे, अब अजमेर जाते हो पूरा एक रूम गेम का एक जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे कमीशन खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, सिर्फ पैसा चाहिए उनको, अगर एक रूम जोने जाएंगे 800 रुपये एक रूम लेंगे आपको, कोई कमीशन एजेंट आ गया तो वो ले जाएंगे आपको 1000 रुपये में दिला देगा, तो सब कुछ चलता है पैसों के ऊपर कमीशन के ऊपर, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो खाने का बोल रहा हूँ मैं आपको, उधर पे बहुत ज़्यादा ऑयली आइटम मिलेगा खाने के लिए, एंड खा सकते हो, घर से अगर खाना आपको नहीं मिलेगा बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप पका कर खा सकते हो इतना ही बोलूँगा मैं, और वहाँ का खाना सब कुछ ऑयली ऑयली होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। तो गाइस हम लोग अभी पाले बाईपास के पास है, अब हमारी बस का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब बोल रहा हूँ गाइस कंफर्म वेट इतना है अजमेर को, वरना हमारे साथ होगा, हम लोग पता नहीं कैसे जा रहे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बस में, अब हम लोग जा रहे अभी बस आएंगी हमारी। तो एक बात कर रहा हूँ, कंफर्म वेट इतना ही आना अजमेर को, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। गाइस हम लोग अभी बस में बैठ चुके हैं, हमारी सीट कंफर्म नहीं है बस की, हम लोग ऐसे बैठ के जा रहे हैं, हमारी सीट कंफर्म थी वो बस चुक गई है हमारे, और दूसरी बस में हम लोग बैठे हैं, इसमें से एडजस्टमेंट कर लिए वो जा रहे हैं अब धार तक है।
देखते हैं कब कब कोई लोग है तो हम उतरना पड़ता है फिर चढ़ना पड़ता है, ऐसा चल रहा है। एक पूरा एक ये वीडियो देख को आना तो मैं आज भी आने का कंफर्म है, तो उतना ही आना टिकट आपकी, वरना मत तो हमारे आगे फंस दोगे आप, बहुत डेंजर है गाइस बता रहा हूँ। एजेंट के पास कभी मत जाना अजमेर में, आपको पहले ही बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस हम लोग अभी गुजरात के अंदर है, तो हम लोग लाशारी नहीं सोए, 10 मिनट सोने का फिर उठ को थे ना, क्योंकि पैसेंजर आ रहे थे, हमारी सीट कंफर्म नहीं है, तो इसलिए तो मैं मुँह भी नहीं धो जाऊँ। देखते ऐसे कब तो हम लोग थे के जा रहे हैं, तो ये देखो इस जगह ये हम लोग थे के जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं कर्नाटक धारवाड़।